सागर में पहुंचा। कहने लगा महाराज प्राण वायु रोक रखी है, ध्रुव ने प्रिय के लक्षण नजर आ रहे। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास है। गण पर सवार होके वहां पहुंचे भगवान जान ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। गण पे से उतर पड़े और शंख की ध्वनि की तो ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती। बीच में ही भगवान ने गोद में ले लिया ध्रुव को। बोलो भक्त और भगवान की। ध्रुव जी की आंखें खुली हैं, भगवान की गोद में हैं। कहने लगे प्रभु धन्य हो बेटा, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी धानी बिरले ही नर पैदा होते, बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे जाओ हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष अयोध्या में राज करोगे और सीधे मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लाओ, मेरे बेटा को हाथ में बिठा के अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी आ गया, उसी समय ध्रुव को होदा में बिठा दिया। अब ध्रुव हाथी में बैठ के अयोध्या को चले। अयोध्या के लोगों को पता लगा ध्रुव आ रहे हैं, छोटे बड़े नौजवान बच्चे बुजुर्ग सब दर्शन करने को दौड़े। ध्रुव जी ने हाथी नीचे बिठा लिया, सबसे मिलते हुए जा रहे। मैया को दरवाजो आओ गांव के, बोले बेटा माँ का दरवाजा ये है। ध्रुव कहने लगे मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। बाय मौसी जन लला को जमीन पटक दो। लेकिन ध्रुव जब मौसी के दरवाजे के लिए चले, मौसी को पता लगा ध्रुव इधर आ रहे हैं। लज्जा पास उसने किवाड़ बंद कर लिए। ध्रुव दरवाजे पर पहुंचे, कहने लगे मौसी किवाड़ खोलो। मौसी अब हम पापी ना रहे, मौसी हम भगवान के दर्शन कर आए। मौसी तो मेरी कसम हो किवाड़ खोल दे, जो कसम खबाई। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा के रोने लगी। कहने लगी बेटा तू धन्य है जो मोए बहु प्यार कर रहा हो, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे मौसी तुमने बोरो ना करो, तुम्हारी एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता तो भगवान के दर्शन नहीं होते। मैया सुमित के आंगन में लेके आई। मैया सुने ने ध्रुव को छाती से लगा के चूम लिया और कहा बेटा प्रभु के दर्शन हो गए। ध्रुव कहने लगे मैया वो प्रभु ने गोद में बिठा लो, पिताजी को ताज अर्पित करो। कान लगी मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी दर्शन हमें भी करा दे। सोच ध्रुव मैया की गोद में से उतर पड़े। एक बात और बताऊं, ध्रुव की कोई हिम्मत नहीं थी, 6 महीना भगवान को पाले थे, ये मैया की तपस्या। जा दिन से ध्रुव गए हैं, रोटी की कौन कहे, पानी की बूंद मैया सुमिति ने होठों पर नहीं रखी। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। रात कटी मैया की,
ध्रुव गोद पे से उतरे और जो चरणों के जड़ माथे से लगाई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। सब ने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट ध्रुव जी के माथे पर रख दिया, उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में दे दिया। कहने लगा, बेटा जब भैया को निभा के चलना। अयोध्या के राजा बना दिया ध्रुव को और दोनों रानियों को लेकर जंगल में भजन करने को चले गए। समझो भाइयों, ये देश हमारा कितना महान है, कितना महान है। 5.5 वर्ष के ध्रुव अयोध्या के राजा बने। सबसे कम उम्र में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने थे, सबसे कम उम्र में। आज कम उम्र में ध्रुव राजा बने। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। धन धन लक्ष्मी लक्ष्मी बाई को अमर कर गई झांसी। धन धन लक्ष्मी बाई अमर कर गई झांसी। हंसते हंसते चूम लई थी भगत सिंह ने फांसी। फांसी पे चढ़ो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेता है। आजादी के लिए वो कुर्बानी की है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सनाडे, तिलक, महात्मा गांधी, तात्या टोपे, मेरे भाइयों, ये वही देश है। ध्यान रखना बहनाओ, भाइयों, कल आप लोग चंद्र वंश सूर्य वंश की कथा सुनेंगे।